ਗੱਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਤੁੰਗ ਜਗ ਜਾਨਣ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਤੀਰਤ ਰੋਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਜਾਨਣ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਜਾਨਣ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਜਾਨਣ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਜਾਨਣ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਵਾ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਵਾ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਜਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਜਗ
सच्चा टोवा सच्चा टोवा प्रगट होवा वाहिगुरु जी सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग जानन होवा सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग जानन होवा सतगुरु नानक प्रगटिया गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा घर घर बाबा गाविए वजन ताल मृदंग बाबा भगत वछल होए आया पतित उदाहरण अजब अजापा चार वरन इक वरन होए सात संगत मिल होए तराबा चंदन वास वनस्पत अवल दोमना सेम खराबा में अंदर सब को कुदरत किस दी करे जवाबा जागिर पीर जगत गुर बाबा जागिर पीर जगत गुर बाबा सतगुरु नानक प्रगटिया तुंद जग जानन होवा सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग जानन होवा सतगुरु नानक प्रगटिया जदो धन गुरु नानक पातशाह का अवतार होया
जगत जीवां दे मना उत्ते जड़ी पापां दी धुंद छाई सी, ईरखा द्वेषता बुरे कर्मां दी धुंद छाई सी, दूर हो गई। साथ संगत जिवें धुंद दे विच रस्ता नजर नहीं आंदा, जाना किथे होवे ते मनुख धुंद विच धुंद छाई है, राते रस्तियां ते पता नहीं किते दा किते चला, क्योंकि रस्ता नजर नहीं आता। इसे तरह जगत जीवां नूं परमेश्वर दे मिलन दा राह भुल गया सी, पर सतगुरु नानक पातशाह जदों प्रगट होए आए संसार ते, जगत जीवां नूं सच नाल परमेश्वर नाल जोड़िया, आख्या नाम जपो, धर्म दी किरत करो ते वंड के छको। धन बाबा नानक सिंह जी बचन करते सन, बांट के खाना बंदगी है, परमेश्वर ने तेनू जो कुछ दिता है उस विचो दसवंत कढ रहे। मजलूमा दी सेवा विच ला उस धन, किसे भुखे नू रोटी खवा, किसे नंगे दा बदन कज दे, जो परमेश्वर ने तेनू दिता है उदे विचो जे परमार्थ ते रस्ते ते खर्च कर रहे है, ए अपनी कमाई विचो दसवंत कढ रहे है। गुरु नानक पातशाह जी ने अपने प्यारियां नू सच दा उपदेश दिता, नाम जपो, धर्म दी किरत करो, किरत विच धर्म जरूर हो, जे सच दी कमाई घर विच आएगी ते घर दे जीआं नूं सुख दे दे। नाम जपो, धर्म दी किरत करो ते वंड के छको। बाबा जी क्या करदे सन, वंड के छकना बंदगी है, दिखा के खाना शर्मिंदगी है, और छुपा के खाना गंदगी है। आखो सतनाम श्री वाहे। धन गुरु नानक पातशाह जी ने उपदेश दिता सच दा, सेवा ते सिमरन दा उपदेश दिता। जिस तरह पंछी दे दो पंख होंदे ने, एक पंख नाल पंछी उड़दा है गिर जांदा, ते जे दो पंखा नाल उड़ेगा अपनी मंजिल तक पहुंचे। इसे तरह साहब कहन लगे, मेरे प्यारियो, सेवा ते सिमरन ए दो पंख हन तुहाडे। सेवा करके मन विच निम्रता आउंदी है, सिमरन करके मन अकाल पुरख दे चरणा नाल जुड़ जांदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। धन गुरु नानक पातशाह जी ने आप सेवा दा सिमरन दा कुंभ लाया। धन गुरु नानक पातशाह ने जात पात ऊंच नीच दा भिन्न भेद मिटा के सब नू एक संगत ते पंगत विच बिठाया। जदों धन गुरु नानक पातशाह मक्के दी धरती ते पहुंचे, उत्थे दे काजियां मौलवियां ने सवाल कीता गुरु नानक ने, कि आप दी नजर दे विच हिंदू जाति दे लोग वड्डे हन के मुसलमान जाति दे लोग वड्डे। सच दा उपदेश देण वाले निरंकार गुरु नानक बोले, जिस दे कर्म अच्छे होणगे ओ परमात्मा दी, ओ अल्लाह ताला दी दरगाह विच जगह पावेगा, और जिस दे कर्म अच्छे नहीं होणगे पावे ओ किसे भी जाति दा है, उसनों परमेश्वर दी दरगाह विच अल्लाह ताला दी दरगाह विच कदे जगह नहीं मिले। साथ संगत पुछिया सी ना मौलवियां ने काजियां ने, तेरी बगल में हिमायल की कुरान भी है, और हाथ में लिए वेद का फुरमान भी है, तुझसे आकर कोई कुरान के मायने पूछे, कोई तुझसे आके ऋग वेद का मतलब समझे, कर दिया खालक ने तुझे खलकत का निगाहबान भी है,
तू जो आया तो आया गरीबी लेके, ए गुरु नानक तू धरती ते निम्रता लेके आया, तू जो आया तो आया गरीबी लेके, सदके हिंदू तो कुर्बान मुसलमान भी। हिंदुआ ने आख्या साडा गुरु है गुरु नानक, मुसलमाना आख्या नानक साडा पीर है, साध संगत गुरु नानक सब दा सांझा, तू सांझा साहेब बाप हमारा। गुरु नानक पातशाह जी ने किसे नू कड़वा नहीं बोले, कौड़ा नहीं बोले, गुरु नानक ने किसे नू मारिया नहीं, गुरु नानक ने किसे नू श्राप नहीं दिता, तन गुरु नानक पातशाह जी ने सब नू सच दा उपदेश दे के, जी दान दे के साध संगत परमेश्वर दे चरना नाल जुड़ दिता। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चान गोवा, आओ ऐसे गुरु नानक दे गुण गाइए, जिस दे गुण गाउन नाल साडे मन ते लगी होई भी मैल उतर जाए, जिहड़ी पापां दी मैल लगी है क्योंकि शरीर ते मैल लगी होवे साबण नाल पानी नाल उतर जांदी है, साबण लाया पानी भी नाल इस्नान कीतियां तन दी मैल उतर जांदी है, पर जे कोई आखे मेरा मन मैला है, मैं अपने मन तो मैल किवें उतारा, ता आखिया तू गुरु नानक दे गुण गाया, उस परिपूर्ण परमेश्वर दे गुण गाया कर, गुण गावत तेरी उतरस में, जिवें जिवें गुरु नानक दे गुण गाएगा तेरे मन ते लगी ईरखा द्वेषता पापां दी मैल दूर हो जाएगी, क्योंकि गुरु नानक जदों प्रगटिया सारे पासे पापां दी धुंद हट गई, सतगुरु नानक प्रगटिया। भाई गुरदास जी कह रहे सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानन होवा, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानन होवा, अरे सतगुरु नानक प्रगटिया प्रगटिया, फिर बाबा गया बगदाद नू, बाहर जाए किया सिखाना, एक बाबा आया काल रूप, रब्बा भी मर्दाना, रब्बा भी मर्दाना, दित्ती बांगनी वाज कर, दित्ती बांगनी वाज कर, सुन समान हुआ जहाना, समान हुआ जहाना, सुन मुन नगरी पई, सुन मुन नगरी पई, देख पीर भया हैराना, देख पीर भया हैराना, वेखे ध्यान लगाए कर, वेखे ध्यान लगाए कर, एक फकीर वड़ा मस्ताना, एक फकीर वड़ा मस्ताना, पुछिया फिर के दस्तगीर, कौन फकीर किसका घर आना, फकीर किसका घर आना, नानक कल विच आया, नानक कल विच आया, नानक कल विच आया, नानक कल विच आया, रब फकीर को पहचाना, फकीर को पहचाना, फकीर को पहचाना, धरती आकाश चहू दिस जाना, धरती आकाश चहू दिस जाना, वाहेगुरु स
सतगुरु नानक परगटिया मिट्टी तुंद जग जानन होवा सतगुरु नानक परगटिया तुंद जग जानन होवा सतगुरु नानक सारे जपो सतगुरु नानक परगटिया गुरु नानक साहब जी जदों बगदाद की धरती ते गए पीर दस्तगीर दे नाल मुलाकात हुई पीर दस्तगीर कहन लगा नानक तेरी बाणी कहंदी है लखां पाताल ते लखां आकाश सन पर असी सत पताल ते सत आकाश ही गिणदे गुरु नानक साहब मुस्कराए ते बोले पीर जी जिसने जितने देखे होन वो उतने की बात करता है प्यार से बोलो श्री ओके साथ संगत परमेश्वर ने कितने खंड ते ब्रह्मांड दीप पाताल लोक बनाए हैं इन्हां दी कोई गिनती नहीं जद कोई परमेश्वर दी गिनती नहीं कर सकदा ते उदी कुदरत दी गिनती कौन करेगा साथ संगत बोलो श्री वो बेअंत है उसकी लीला भी बेअंत है पीर दस्तगीर ने आख्या सानू कोई प्रमाण दिखा ते तन गुरु नानक पातशाह जी ने पीर दे लड़के नू आख्या अखां मीट एक अख मीट ते खोलन जितने समय विच तन गुरु नानक ने पाताल आकाश लख ओड़क पाली खबर सुनाई किते किते खंडा ब्रह्मंडा दी सैर एक अख फुरकन दे विच गुरु नानक ने पीर दे पुत्र नू कराई ते नाल उथों पारक कच कोल प्रसाद दा तुरों पतालों लई कढ़ाई नाल प्रसाद भी उथों दा लियाए ते जब सब विच वरताया जिस जिस प्रसाद खाता उन्हां दे कपाट खुल गए सारियां ने गुरु नानक दी उस्तत गावी हे निरंकार गुरु नानक तेरी बाणी सुचे होती है तेरी बाणी सच है बादशाह दर्शन करन आया गुरु नानक दे अपने महलां विच लै गया धन गुरु नानक पातशाह के हीरे मोती जवाहरात रखे नमस्कार कीती ते आख्या नानक फकीर अज तक मेरे तीन सवालों का कोई जवाब नहीं दे सकिया जे तू देवे ना ते अज तो मैं भी तेनू अपना गुरु बना अपना मुर्शद बना गुरु नानक बोले कहो बादशाह तेरे मन दे की सवाल बादशाह कहन लगा पहला मेरा सवाल है कि खुदा से पहले कौन था मेरा दूसरा सवाल है ये खुदा है तो वो नजर क्यों नहीं आता ते मेरा तीजा सवाल है ये खुदा है तो वो करता क्या धन गुरु नानक पातशाह जी ने जेड़े हीरे मोती बादशाह ने रखे सन गुरु नानक अगे आखिया जरा इन्हां दी गिनती तां करवाओ बादशाह ने नौकर नूं आखिया गिण भई कितने हीरे मोती हन गिणन लग पिया एक दो तीन गुरु नानक बोले भुल गए शुरू तो गए फिर गिने एक दो गुरु नानक बोले भुल गए फिर गिण भई उन्हें फिर गिणिया एक साहब कहन लगे भुल गए महाराज अभी तो एक ही गिने भुल कितों गए गुरु नानक बोले एक तो पहला गिनना कहन लगा जी एक तो पहला तो कोई गिनती नहीं एक तो पहला तो कोई नहीं गुरु नानक बोले जिस तरह एक तो पहला कोई नहीं इसे तरह परमेश्वर अकाल पुरख तो पहला भी कोई नहीं सी
ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਮੰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ, ਇਸ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਘੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਜੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਘੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਘਿਓ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲੀਏ, ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕੀਏ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਨਿਕਲਦਾ, ਘੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਖ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਥੱਪੜ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਏਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਥੱਪੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਦਰਦ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਥੱਪੜ ਵੱਜਿਆ, ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦਰਦ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ? ਅੱਖ ਸ੍ਰੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਉੱਚੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਲੇ ਬਿਠਾਏ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਲੇ ਬਿਠਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪ ਤੱਲੇ ਜਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਅਬ ਬਤਾਓ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਦਾ ਯਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਕੋ ਤੋ ਗੱਦੀ ਪੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਰੱਬ ਇਹੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਦੇ ਬੇਖਾਰ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰਵੋ, ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਮੁਖਦਾਰੀ। ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਦਾ ਯਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਯਹੀ ਕਰਦਾ। ਚਰਨ ਤੇ ਠਹਿ ਪਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਧਨ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ,
ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਛਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ। ਸਤਿਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਈਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਿਸਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੋਲੀ ਵਿਛਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਆਂ ਹੂਆਂ ਸੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਘੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨ ਜੋੜੋ, ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗਾਓ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ। ਜਪੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਮਨੀ
प्रभ आवत सुनिया मेरी से जड़ी आडंबर बनिया मेरी से जड़ी आडंबर सुखे मामी जाओ मंगल रस भरे प्रभ मिले स्वामी सुखे मामी जाओ मंगल रस भरे अंग संग लागे दुख भागे संग लागे दुख भागे प्राण मन तन सब घरे मेरी से जड़ी आडंबर आई संजोग साहा शुभ गणिया मन इच्छ पाई प्रभ ध्याई संजोग साहा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्रीधर श्रीधर सगल आनंद रस बनिया मेरे से जड़ी आडंबर बनिया मेरी से धन हमारे भाग घर आया फिर मेरा सोहे बंक दुआ सगला बन खरा
हर घरा स्वामी सुखै गमी आनंद मंगल रस घना नवल नौतन ना हो बाला कवन रसना गुण भणा मेरी सेज सोही मेरी सेज सोही देख मोही सगल सेंसा दुख घरा नानक प्यम पे मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा मिले स्वामी अपरंपरा मेरी से जड़ी आडंबर बनिया मनियनद भया मनियनद भया सारे प्रभ आवत सुनिया मेरी से जड़िए आडंबर बनिया मेरी से जड़िए आडंबर बनिया प्यारे आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो ता प्रभ भावो सोहिलड़ा जुग चारे अपने घर आया धान सुखाया कारज शब्द सवारे ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिभुवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम घर साजन आया साजन आया मनियनद भया मनियनद भया सारे जप मनियनद भया मनियनद भया कब आवत सुनिया में से जड़िए दर्शन तेरा नाम आओ सजना को देखा दर्शन तेरा राम घर अपने खड़ी तका मैं मन चाओ घनेरा राम मन चाओ घनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा भरवासा दर्शन दे भई ने केवल जन्म मरण दुख नासा सगली जोत सगली जोत सगली जोत जाता तू सोई
मिलिया भाए सुभाए नानक साजन को बल जाइए साच मिले खरे आए मन अनद भया मन अनद भया आवत सुनिया मेरी से जड़िए आडंबर बनिया तन गुरु नानक तन गुरु नानक गुरु नानक तन गुरु नानक मन अनद भया मन अनद भया जय जयकार भया
जाके अंतर जय जय कार भया जय जय जल छाया राम अमृत जल छाया राम जय जयकार भया जग अंतर जय जयकार भया जय जयकार
जय जयकार भया जगी अंतर जसवेद पुरानी गाया जसवेद पुरानी गाया जसवेद पुरानी गाया जसवेद पुरानी गाया परमेश्वर अपना बिरद रखिया परमेश्वर अपना बिरद रखिया परमेश्वर अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम दियाया अंतर जय जय कार भया जय जय कार भया जगी अंतर जय जय कार भया मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई गुरपुरे की वडियाई ताकि कीमत कही न जाई जाई तेरे नावे हो कुर्बान जाई तेरे नावे जिसनु बख्श लहे मेरे प्यारे जिसनु बख्श लहे मेरे प्यारे सोजस तेरा गावे वाहिगुरु सोजस तेरा गावे सोजस तेरा गावे तू पारो स्वामी मेरा तू पारो स्वामी मेरा तू पारो स्वामी मेरा तू पारो स्वामी मेरा संता भरवासा तेरा
संता भरवासा तेरा, संता भरवासा तेरा, संता भरवासा तेरा। नानक प्रभु शरणाई, नानक प्रभु शरणाई, नानक प्रभु शरणाई, नानक प्रभु शरणाई। मुख निंदक के छाई, मुख निंदक के छाई, मुख निंदक के छाई, मुख निंदक के छाई। जय जयकार भया जग अंतर, जय जयकार भया, वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई, सारे जगत विच धन गुरु नानक पातशाह जी दी जय जयकार हो रही है। आज पवित्र ननकाना साहब की धरती ते राय पोए दी तलवंडी मेहता कालू जी दे घर, माता तृप्ता दे कारण धन गुरु नानक पातशाह जी ने अवतार लिता। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग जानन हो। जिस वेले गुरु नानक पातशाह दा अवतार होया, जिस कोठड़ी विच आप दा प्रकाश होया, सारी कोठड़ी जग मगा उठी। एक नहीं मानो अनेकां सूरज इको वारी ते चढ़ गए। जय जयकार दी आवाज आ रही है, मानो इवें मलूम हो रहा है जिवें 33 करोड़ देवता निरंकार गुरु नानक साहब की जय जयकार उस्तत कर रहे हैं। सात सिंह जपो श्री वाहेगुरु। जदो धन गुरु नानक पातशाह अवतार लिता, बाल रूप विच आप सब तो पहला मुस्कुराए, क्योंकि संसार नू खुशियां देन आए सन। संसार दे जीवां नू धन गुरु नानक पातशाह सत दे नाल जोड़न आए सन। संसार दे जीवन दे मना तो पापां दी धुंद, ईरखा द्वेषता दी धुंद दूर करन आए सन निरंकार गुरु नानक साहब। जिस वेले आप माता तृप्ता दी कुख तो जन्म लीता, चारे पासे कोठी प्रकाशमान हो गई, सारी कोठड़ी विच एक खुशबू महक फैल गई, सारे पासे चानन हो गया, प्रकाश हो गया। लखा नहीं करोड़ा जय जयकार दियां धुनां गुरु नानक दी आउण दी खुशियां विच होण लग पईयां। दौलतां दाई देख के हैरान हो गई, मेरे हथां विचों कई बालक जन्मे, पर जदों बच्चा जन्म लैंदा है रोंदा है, पर जदों निरंकार गुरु नानक ने उतार लिता चेहरे ते मुस्कुराहट है। सब हस रहे हैं क्योंकि संसार नू मुस्कुराहट देन आए हैं, दुख दूर करन आए हैं, सब दे चेहरियां ते खुशियां देन आए हैं, सब दे हिरदे विच खुशियां देन आए। दौलतां दाई भज के दौड़ के बार गई। गुरु नानक साहब दे पिता मेहता
कालू जी जाके वधाई दीती सी, मेहता जी वधायो तुहाडे काल लाल प्रगट होया है। सात सिंह जपो श्री वाहिगुरु। पर जदों ए बालक जन्मे मैं तो वेख के अचरज हो गई, उसका रूप उसकी कुदरत सारी कोठड़ी प्रकाशमान खुशबू महक फैल गई। जय जय कार दियां धुनां आ रही कन्नां विच आवाज पै रही है, मेहता जी ए बालक कोई अनोखा ही बालक। उस वेले मेहता कालू जी पुरोहित हरदयाल दे घर गए, सारा समाचार सुनाया, इतने बजे बालक होया। ज्योतिष विद्या अनुमान ला के पंडित हरदयाल ने ते आख्या, मेहता जी ए बालक कोई आम बालक नहीं, जे मेरी ज्योतिष विद्या सची है ते मैं हिसाब ला के वेखिया है, मेहता जी तुहाडे कार परमेश्वर आप आए हैं, हरि आप आए हैं, हर जी आप आए हैं। सात संगत बोलो श्री पंडित हरदयाल ने बालक दा नाम नानक रखे। सात संगत हर युग विच परमेश्वर कोई ना कोई रूप धार के धरती ते आया। सत युग विच बामन रूप होके आए परमेश्वर, त्रेते विच राम जी दे रूप विच आए, द्वापर विच कृष्ण जी दे रूप विच आए, ते कलयुग विच परमेश्वर निरंकार गुरु नानक जी दे रूप विच आए। सात संगत बोलो श्री वाहिगुरु। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी कह रही है, सत युग तै माणियो छलियो बल बामन पायो, त्रेता तै माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अबे भगते जन दियो, कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल आदि पुरख फुरमाए। आदि पुरख वाहिगुरु ने फुरमान जारी किया कि कल युग विच परमेश्वर नारायण निरंकार श्री गुरु नानक दे रूप विच आए हैं। अख श्री जगत दिया नु तारन ले आइए, धन बाबा नानक सिंह जी वचन करते सन, तारे गिने जात हैं ना तारे गिने जात, आकाश मंडल विच कितने तारे हैं इन्हां दी गिनती तो कोई कर लेगा, पर गुरु नानक ने कितने तारे, गुरु नानक दा नाम जप के कितने तरे ते अगों तरनगे इन्हां दी कोई गिनती नहीं कर सकता। तारिया जहान लाया अभिमान, जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुद नू तन कहा, तिन जम नेड़ ना आए। जिहड़ा एक बारी प्यार नाल गुरु नानक पातशाह दे नाम दा सिमरन भी कर लेगा, बाणी कहिंदी है उहदे नेड़े दुख क्या जम दूत भी नहीं आउणगे। अख श्री वाहिगुरु। सात संगत आओ सारे, जिथे सारी कायनात गुरु नानक दी जय जयकार कर रही है, आओ असी भी जय जयकार करिए, रसना नू सफल करिए, स्वासा नू सफल करिए। ये रसना ताइए पवित्र है जे गुरु दा नाम जपे, एक कन ताइए पवित्र होणगे जे गुरु की बाणी सुनेंगे, एक हाथ तां पवित्र होणगे जे सतगुरु दे दर दी सेवा करेंगे, एक पैर तां पवित्र होणगे जे गुरु दे मार्ग ते चलणगे। सात संगत आओ, ए मस्तक तां पवित्र होणा है जे आके गुरु दे चरणा नाल लगे, आओ गुरु दे चरणा नाल जुड़िए, कोई भी रस्ता खाली ना रवे। सारे कवारी जय जयकार करो गुरु नानक पातशाह दी, धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी कह रही है, जय जयकार भया जग अंतर, जय जयकार भया गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक अरे नमो धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक श्री हरि कृष्ण ते आई
कृष्ण तियाए, श्री हरि कृष्ण तियाए, जिठे सब दुख जाए, जिस जिठे सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण तियाए, श्री हरि कृष्ण तियाए, जिस जिठे सब दुख जाए, जिस जिठे सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण तियाए, श्री हरि कृष्ण तियाए, तेग बहादुर सिमरि, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, घर नौनी दे आवे ताए, सब थाई रोए सहाए, घर नौनी दे आवे ताए, सब थाई रोए सहाए, श्री हरि कृष्ण तियाए, श्री हरि कृष्ण तियाए, श्री हरि कृष्ण तियाए, श्री हरि कृष्ण तियाए।